तीन हट होती हैं विचित्र, एक होती है बाल हट। बच्चा जिस चीज पर जिद कर जाए वो लेके ही मानते हैं। पिताजी की पॉकेट जवाब दे या ना दे, लेकिन हमें तो चाहिए तो चाहिए। अगर पीट दो तो रोते 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 सो जाते हैं, लेकिन जगते हैं तो फिर कहते हैं मम्मी। एक होती है बाल हट, और ये बाल हट जो है ये हमारे तुम्हारे बच्चा नहीं करे। जगत पिता परमात्मा जब आए कान्हा बन करके तो अपनी मैया से बोले, मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। चंद्रमा खिलौना मांग रहे हैं है? और ऐसा नहीं, सूरदास ने इतना मार्मिक वर्णन किया है, मैया को धमकी दे रहे हैं छोटे से लाला, जई हो लोट अभी धरनी पर तेरी गोदन आई हो, सुरभि को पै पानन करियो बेणी सुर न गुथई हो, अगर तूने मुझे चंदा ना दो तब जमीन में लोट लगा लेंगे, पूरे शरीर में बालू लगा लेंगे, काजल नहीं लगवाएंगे, जब बाल ना गुथवाएंगे। तू कहती है रोज रोज कटोरा भर दूध पी ले, लल्ला तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी, तो चोटी ओटी कछु मतलब ना है, मोए ना पिएंगे दूध। और मैया बोली, ना मेरी गोदी में आवई गो, कोई बात ना, मैं तो बलराम को लेके गोदी में दूध पिलाई देऊंगी, और तू लल्ला धूल लगाए लेगो तो थोड़ा गोरो ही लगाईगो, भाई सब करुआ करुआ सब कहे तो फिर। कान्हा बोले, धमकी बेकार गई, दूसरी धमकी जबरदस्त दी है क्या? कईयो सुत में नंद बाबा को तेरो सुत न कहियो, हम तो अपने नंद बाबा के छोरा हैं, हम तेरे छोरा ना है मैया, हम तेरी से बात नहीं करेंगे, हमारी तेरी कुट्टी हो गई। मैया बोली, कहती तोतली बोली बोल लो है, तो मैया ने एक बात कही, लाला इधर आ रहे ढिंग बैठाई कहाती नदरानी बल दे वही न बतैया, अति कोमल चंदाऊ से सुंदर तो को नई दुल्हनिया ले हो। चुप्पा रहा, बलराम को मत बताना, चंदा तो कछु ना है, चंदा से भी सुंदर तेरे लिए दुल्हनिया लेके आए। अब कन्हैया जिद कर गए, मैया मैया मैं तो दुल्हनिया चाहिए, मैया दुल्हनिया चाहिए। मैया कहा लगी, लला अभी तो तुम छोटे से हो, और दुल्हनिया तुम्हें कितनी बड़ी चाहिए? कन्हैया बोले, इतनी बड़ी हो जब हम गैया चरा जाए तो अपनी जेब में रख ले करो। ये है बाल लीला श्याम की, बोलो कौन नहीं करता हट। एक होती है बाल हट, और दूसरी होती है, दूसरी की बात हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जो माताएं बहनें होती हैं हर काम आगे ही होती, कैसे आगे होती मालूम? खानम आगे, खानम तो इतो आगे हैं। अगर दिवरानी जिठानी पांच रहती हैं घर में, और जिनके बच्चा छोटे छोटे हैं, हाय भगवान इतनी जल्दी खाना बनी, बच्चे ने पढ़ाई के लिए बच्चे ने थाली में ज्यादा पति दी, और बच्चा थोड़ो खाई पर मम्मी अब ना तुम पर कहीं कहीं सब खाओ, आ गलो हटो जल्दी स्कूल जा, खाई ली तुम बे थरिया समेटी मर खाई। बच्चा हो तो अम्मा भूखी नहीं रही सकती, 50 लोग बैठे हुए, 1000 बैठे हुए, निकाल लाई खान लगी, किसने कही बड़ा जल्दी खान लगी, बच्चा छोड़ दो और क्या करे, फेंक दे, ज्यादा बातें करती ले डांट गई है बच्चा का। उसके बाद ये बच्चा चले गए, फिर महाराज बनाओ भोजन, और महाराज खान लगी, भाई तो खेत पर से लगभग 1 बजे ही लावो खाइए ले निकाल लाई, और महाराज खाई खान लगी, तले दूसरी खान लगी, क्या भाई बहन आया तुम पहले खाई लेती करो का, पहले खाई लेती बात नहीं करती, नमक उमक दिखती है, बहुत जल्दी नाराज हुई, अगर थोड़ा नमक ज्यादा हुई जाए, हाँ अच्छा नमक देखता है लाई खाई भाई, अब आराम खाई बिस्तर पर पहुंची, दोपहरिया मनाई रही तले भाई 1 बजे आए हैं, आए उन्ने के टंपा के मां, अरे चलो रोटी परसो चले, अरे रोटी पर सही आज मेरा पेट ना ठीक है, तो मैं ऐसा करो अपने आप लोटा मान लो थरिया एक धो लियो खाई लो जाए, कहा ना करो। अब पत्नी कही दे सर दर्द हुई रो या पेट में दर्द हुई रो, आदमी मजा ले काम के लिए कुछ कही दे,
बेचारे ने जाके अपने आप सरिया धोई माजो लोटा खाए पी के किनारे आए जैसे पास बैठे तब का खाती चलो नाती मुकरमपुर भैया में ठीक है। अब साइकिल पर उसने बैठा रो कहीं चल बिचारो लगो तो पारी उनको आजमाना ही हो जाए इसलिए उनके बदजमी बनी। अब उनको कहीं चले महाराज पूरा आजमा भी गो। और जब डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गैस एक्स वगैरह की गोली दे दी और कहा कि लो खा लो ठीक हो जाओगे चूरन थोड़ा दे दिया। अब लेके चूरन और गैस एक्स की गोली खाए के चली जैसे ही साइकिल पर बैठी चल रही अब सीधे आदमी कहीं चल जाए रो घरे तो का खा ली देखो सीधे घरे ले गई अब 10-20 रुपया चार तक ना कमी तो खाना मांगे है। और गांव नम तो इतने आगे ऐसे ही शामक बरात से विदा कर पावे है भी तो गई महाराज सवेरे बहुत तन समय ही पल्ले पे गलो ना काम करियो भैया। और उसके बाद ये तो नाचेंगी नाचना बहुत आगे नाचना तो ये ही आगे है तुम्हें साथी बताओ पूरे आंगन की धूल इकट्ठी कर लियो सवेरे पूरी लाते सो नाटक करेंगी नाचना मांगे खाना मांगे गाउना मांगे और एक बात बता मैं जई रोनो बहुत आगे कतई हंसती बैठी हुई अब किसी लड़की की विदा देख ले अब धीरे धीरे रुवासो मुंह बनी किनारे गाड़ी पहुंच गई अब जैसे ही किनारे पहुंची और जिस लड़की की विदा होती उसने कही बुआ ऐसे रुई जैसे 2-4 महीना की रुवासी हुई और सच्चे आंसू निकल गई और रुई। और जैसे ही वह लड़की बैठ ली अपनी गाड़ी पर विदा हुई की हुई जय बाद गई जय चली गई बहुत बनती करो रहा रो न मांगे और एक बार बता मैं सोऊ नऊ बहुत हुआ तुम लोग कथा सुनन आए हो तुम लोग अगर सो बो हम जान जा और जय अगर सो मई तो घूंघट खींच लेती अंदर ही अंदर करती जम के सोई लेती ना पता लगत है। और एक बात बता गाउनो मांगे सोनो मांगे रोनो मांगे खानो मांगे और साची बात बता मैं ते मारो खानो बहुत मांगे अगर इनको आदमी ने थोरो मारे तो जी का कहीं और मारो और मारो और मारो और टंबाक पापा तुम्हें असील तुझे तुम्हें मारी पानी पियो ठीक है और मारो और मारो अच्छा एक बात है हम कुछ भी करें कहीं भी जाएं हम कभी अपनी माताओं बहनों की कभी बुराई नहीं करते मेरा स्वभाव ही नहीं है कि माताओं की बुराई करें क्योंकि ये माताएं बहने ही तो हैं जो महाराज बुलवाने में मेरी मदद करती है। ए भैया पीछे वाले भक्तों ज्यादा शोर मत मचाओ जो आपस की फूट अब तो मेलू बढ़ाए कंपनी की स्थापना की 1600 ईस्वी में लाए सब
द्रौपदी की बेइज्जती हुई उस कुरु राज सभा में, परिणाम ये हुआ पिए लो की भैया देखो फिर ना कंकट जाए। और बताएं शेर अली ना देखी हो बिलाई को, अगर शेरनी ना देखी हो तो बिलैया देख ले, शेरनी ना देखी हो तो बिलैया देख ले। बिलैया छोटी होती, शेरनी लगभग बड़ी होती है, होता वैसे ही है सब। अरे शेरनी ना देखी हो तो देख ले बिलाई को, पराई लंका सोने की आग लग गई बाबे। लंका